हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप ठीक ही होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं 220 क्वेश्चन, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम शुरू करते हैं बिना रुके 220 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कुर्नूल थी। अब फिलहाल कुर्नूल आंध्र प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? उसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का पता लगाया था राखलदास बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? जो उनकी सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ये 1921 में हुई थी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ये हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन बी है इसका आंसर, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यह लोथल में हुई थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? यह राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। लोथल गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि पर सामान्यतः पुरातत्वविद सहमत हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के मध्य। हड़प्पा सभ्यता का निर्धारण पुरातत्वविदों द्वारा 2500 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य किया गया। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? यह थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, गढ़ेश्वर जोधपुर संस्कृति किस हड़प्पा स्थल की सूचक है? यह खेतड़ी की है। हड़प्पा वासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने हेतु तांबे के लिए खेतड़ी तथा सोने के लिए दक्षिण भारत से संपर्क स्थापित किया। इन स्थानों से मिलने वाली हड़प्पाई वस्तुएं ऐसे संपर्कों की सूचक हैं। खेतड़ी क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गढ़ेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के मृद भांड हड़प्पा से भिन्न है तथा ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों से कनेक्ट हों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र संख निर्मित वस्तुओं तथा पच्चीकारी वस्तुओं के निर्माण में प्रमुख थे? आंसर है सी, नागेश्वर तथा बालाकोट। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी है, हड़प्पावासी मृतकों के साथ आधिकाधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें केवल एक और दो सही हैं। पहला ये सही है, हड़प्पाई शहरों में शहरों तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया, और मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये दोनों सही हैं, पहले और दूसरे। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान में सहायक हैं? आंसर है 1, 2, 3, 4 ही सही हैं। पहला प्रस्तर पिंड, पूरे संघ तथा तामायस्क, नंबर 3 अपूर्ण वस्तुएं, नंबर 4 कूड़ा करकट।
अगला क्वेश्चन, हड़प्पा लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं, कि यह वर्णमाला पर आधारित थी यह गलत है, ये सही है, यह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी ये सही है, और मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा तथा दूसरी तथा एक एक में सांकेतिक चित्र बना है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिलते हैं। हड़प्पा लिपि भावचित्रात्मक थी ना कि वर्णमालीय, जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर तथा व्यंजन को दर्शाता है। इसमें चिन्हों की संख्या जो है कहीं अधिक, लगभग 375 से 400 के मध्य है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाई बाँटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही आंसर है 1, 2, 3, यानी तीनों ही सही है, कि बाँटों का निर्माण सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से होता था, ये सही है। दूसरा ये सही है, अधिकांश ये बाँट निशान रहित तथा घनाकार होते थे। तीसरा ये सही है, इन बाँटों के निचले मानदंड द्विधारी तथा ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। अगला क्वेश्चन, किस जैन तीर्थकर को नारायण का अवतार बताया गया और ऋषभदेव को बताया गया। हड़प्पाई सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर है 1 और 3, के पहला ये सही है कि प्रकृति पूजा के संकेत मिलते हैं, ये सही है, और तीसरा ये सही है कि जादू टोने पर विश्वास करती थी, ये दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाई समाज के मृद भांडों मोहरों बाँटों तथा ईंटों में व्यापक एकरूपता देखने को मिलती है, पुरातत्वविदों के अनुसार एकरूपता का कारण रहा होगा। आंसर है डी, एक संगठित सत्ता का अस्तित्व रहा होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं में मोहरों बाँटों ईंटों तथा मृद भांडों में व्यापक एकरूपता परिलक्षित होती है। जम्मू कश्मीर से गुजरात तथा प्राप्त ईंटें सामान्यतः अनुपात में बनी है। पुरातत्वविदों के अनुसार संभवतः एक संगठित सत्ता थी जो जटिल फैसले लेती थी तथा उन्हें कार्यान्वित करती थी। अगला क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन है, धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण निम्न में से किससे प्राप्त हुआ है। ये कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है, या कालडवा कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के बोर्ड के दो नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं। ये लोथल से प्राप्त हुए हैं, लोथल जो एक बंदरगाह शहर था। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था गेहूं व जौ था। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा नहीं करते थे। विष्णु की पूजा नहीं करते थे, वे शिव जी की पूजा करते थे, मातृदेवी की करते थे और सूर्य पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु सभ्यता के समय में प्रमुख बंदरगाह था, वो लोथल था। सिंधु लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं तथा फिर उसी क्रम में बाएं से दाएं। सिंधु लिपि है भावचित्रात्मक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का समय लगभग था 2000 ईसा पूर्व था। अगला क्वेश्चन, सिंधु साम्राज्य की दो राजधानियां थीं हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, इसका कारण था आवागमन के साधनों की कमी, इसके कारण दो राजधानियां थीं। सिंधु सभ्यता थी कांस्य सभ्यता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस हथियार से अपरिचित थे, ये तलवार से अपरिचित थी। अगला क्वेश्चन, तक्षला के प्रसिद्ध होने का कारण क्या था, गांधार कला था। तक्षला गांधार महाजनपद की राजधानी थी, यह शिक्षा व्यवस्था का एक उन्नत स्थान था। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मंदिरें किसने चलाई थी, ये बैक्टीरियन शासकों ने चलाई थी। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है, वो मथुरा संग्रहालय में है। अगला क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था, वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। भारतीय रंगमंच में यवन का यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था, वो यूनानियों ने किया था, और यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला क्वेश्चन, सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी, वो शीशे की बनी थी। अगला क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, वो कनिष्क के दरबार की शोभा थी। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, तो वो वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट के क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, ये कुषाण काल में बनाई गई। अगला क्वेश्चन, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण होती है उसे कहते हैं, उसे गांधार शैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मुक्तिदाता की वादि किस वंश के शासकों ने धारण की थी, वो शक वंश के शासकों ने धारण की थी। अगला क्वेश्चन, ईसा पूर्व 2वीं सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित
भारतीय यूनानी राज्य था वो बैक्टीरिया था। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? वो है वेप्पा चेटू है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? वो राज्य सरकार का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः है? वो उत्तराखंड का तिब्बत है। अगला क्वेश्चन, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? वो विद्युत में होता है। इडकल परियोजना किस नदी पर आधा स्थित है? इडकल परियोजना मतलब किस नदी पर है? वो घाट प्रवाह नदी पर है। यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक के बेलग्राम और बीजापुर जिले में घटप्रवाह नदी पर बांध का निर्माण कर बहुत बड़े क्षेत्र को सिंचित करने की योजना है। यह एक सिंचाई के साथ एक जल विद्युत परियोजना है। अगला क्वेश्चन, खैबर का दर्रा कहाँ पर स्थित है? यह पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। भारत का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? बांग्लादेश और भारत का जो राष्ट्रगान है दोनों ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन, किलारी पायट किस राज्य का मार्शल आर्ट है? वो केरल का है। अगला क्वेश्चन, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अव मृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को कहते हैं? ये कहते हैं प्रक्षालन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु है? एल्यूमिनियम है। और भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? वो कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं, म्यांमार में। हाँ, अगला क्वेश्चन, पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण निम्न में से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? वो श्रीलंका है। भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? वो काजीरंगा में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा? जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होगा। अगला क्वेश्चन, किस मिसाइल का नाम भगवान शंकर के धनुष के नाम पर रखा गया है? वो पिनाक का नाम रखा गया है। सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जिसका नाम भगवान शंकर के धनुष के नाम पर रखा गया है। इसमें टैंकों, शस्त्रागारों तथा अन्य सैन्य दलों को नष्ट करने की क्षमता है। मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? वो गुजरात में स्थित है। और दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? वो मुंबई में स्थित है। अट्टी सोने की खाने किस राज्य में स्थित हैं? वो कर्नाटक में स्थित हैं। कनाडा को यूएसए से अलग करने वाली रेखा कौन सी है? वो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सागर भूआबद्ध है यानी भूबद्ध है? वो अरल सागर है। अगला क्वेश्चन, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की जो किस्म है वो अरेबिका है। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? ऑप्शन डी चेमा युंगडुंग से निकलती है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है? त्रिम्बक पहाड़ी से हुआ है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रिम्बक पहाड़ी से हुई है। अगला क्वेश्चन, यदि भारत की कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा होती तो भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अधिक ताप एवं अधिक वर्षा वाला मौसम होता। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? वो सेवों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? वो बैकाल झील को कहा जाता है जो रूस में स्थित है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चावल का कटोरा भारत में छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है और विश्व में चावल का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? वो बेतवा नदी होती है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा ये तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन, किस शहर को एटर्नल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में रेगिस्तान नहीं है? आंसर है यूरोप में। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी है? वो सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है। वो सतलुज नदी है। सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र हीरा बाजार कहाँ स्थित है? वो मुंबई में स्थित है। मुंबई का हीरा बाजार दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। यह 20 एकड़ में फैला हुआ है।
अगला क्वेश्चन, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? वो थालघाट दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? वो काराकोरम दर्रा है। अगला क्वेश्चन, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? वो बोरघाट दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, पम्बन द्वीप स्थित है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में है? वो जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। जम्मू कश्मीर में स्थित यह दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? वो भारत और चीन को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? वो अरुणाचल प्रदेश में है। पानी के फर्न अजूला और साइनोबैक्टीरियम अन्नावीना के बीच संबंध क्या है? सहजीवी का संबंध है। अगला क्वेश्चन, टेहरी बांध को किस नदी से पानी मिलता है? वो भागीरथी से मिलता है। टेहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है, जो कि विश्व का पांचवां सबसे ऊंचा बांध बनाती है। टेहरी बांध भारत